मैं रूम में बैठा काम कर रहा था और मेरे सामने जो मेरे ऑफिस फ्रेंड है प्रेम कुमार तमीजा, ये बैठे हुए थे। दरवाजा खोल के अजय कुमार तमीजा वाइस प्रेसिडेंट, श्रीमती आशिमा मेंबर कैन बोर्ड और श्री राजकुमार एक्स मेंबर कैन बोर्ड जो कि श्रीमती आशिमा जी के हस्बैंड भी हैं, वो तीनों मेरे कमरे में आए। और आते ही श्री अजय कुमार तमीजा ने ऑफिस फ्रेंड को बोला, प्रेम जी बाहर निकलो यहां से। ये सुनते ही प्रेम बाहर चले गए। उसके बाद बवेजा जी ने बाकी दोनों को बोला, श्रीमती अश्विमा को और उनके हस्बैंड को, कि आप दोनों गेट बंद करो, कुंडी लगाओ, देखना कोई अंदर आने ना पाए, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे उसकी टांग तोड़ देना। उसके बाद श्री राजकुमार जी उठे और उन्होंने गेट बंद कर दिया। हमारे कंपनी में जो कि अंदर कुंडी नहीं लगती है इसलिए वो कुंडी नहीं लगा पाए, उन लोगों ने कमरा बंद कर दिया दोबारा से। उसके बाद अजय बबेजा ने मुझे कहा कि साले तू अपने को समझता क्या है, तो यहां पे सीयू लगा हुआ है, तुझे पता नहीं सीयू काम क्या होता है, साले तू मेरा काम करने से मना करेगा, तू मेरे मेंबर्स के सामने मेरा काम करने से मना करके मेरी बेइज्जती करता है, तो देख मैं तेरे क्या हाल करता हूं, मैं बुलाता हूं अपने गनमैन को, जितने फोन बजाता है आज मुझे। ये कहते उन्होंने जेब में हाथ डाला और फोन निकाल के गनमैन को फोन करने लगे। अपनी लाइफ को बचाने के लिए मैं अपनी सीट से उठा और बाहर जाने के लिए साइड से होके निकलने लगा। जैसे ही मैं निकल रहा था मेरे सामने जब बबेजा खड़ा हो गया और उसके साथ में बाकी दो लोग भी, श्रीमती आशिमा और उनके हस्बैंड भी खड़े हो गए। और अजय बबेजा ने मुझे कहां जा रहा है, बैठे यहां पे, कहीं नहीं जाएगा, बात करनी है अभी। यह कह के मैं काफी डर गया और फिर मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, उसका नाम पुकारा और कमरे में क्योंकि सोफा रखा हुआ था तो सोफे की साइड से फटाफट निकल के ड्राइवर ने मुझे फटाफट सेफली सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला और फटाफट गाड़ी में बैठा और उसके बाद ड्राइवर मुझे घर ले गया। तो आपने हमने श्री अजय बबेजा वाइस प्रेसिडेंट कैन बोर्ड, श्रीमती आशिमा मेंबर कैन बोर्ड और श्री राजकुमार एक्स मेंबर कैन बोर्ड, इन तीनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसको भी हमने एसएचओ साहब को भी दी है, एसपी साहब को भी दी है, डीसी साहब को भी दी है। हम पिछले लगभग 3-4 साल से हमारे तोपखाना बाजार में दशहरा मनाया जाता रहा है और वो भी हमारा जो कंटोनमेंट है, हमारा एक फेयर एंड फेस्टिवल का बजट होता है जिसमें कि हम समय समय पर अपने प्रोग्राम कल्चरल मीट वगैरह करते रहते हैं। आपने देखा होगा पीछे हमने गुरदास मान नाइट भी की थी और लगभग हमारा 20 से 25 लाख रुपए का बजट था उसमें। तो पिछले मीटिंग में हमारा ये प्रस्ताव पास किया था हमने कि दशहरा आ रहा है उसके लिए हमने बजट रखा था और वो बजट हमने पास किया था। तो कल हम सिर्फ ये बात करने गए थे सीईओ से, मैं था, मेरी साथी पार्षदा थी आशिमा जी और नीलम रानी शर्मा, वो जो रेलवे कॉलोनीज है वो भी मेरे साथ थे। तो जब हम लोग उसके ऑफिस में एंटर किए हैं तो जो इनका एंटरटेन करने का तरीका था, बात करने का जो तरीका था, वो बहुत ही असुविधाजनक और असम्मानजनक था कि बहुत ही एक इतने बड़े अधिकारी को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।